हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे ये जो सीमेंट की ये चौखट होती है, इनमें ये जो कब्जे लगे रहते हैं, ये कब्जे एक टाइम के बाद इनके स्क्रू ढीले हो जाते हैं। तो इन स्क्रूज को टाइट करने के लिए कैसा करना पड़ता है। हालांकि ये सीमेंट की जो चौखटें होती हैं, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग को। अगर आप कोई मकान ले रहे हैं जहाँ पे सीमेंट की चौखट लगी है, तो उसको मना करें। तो फ्रेंड्स, ये सीमेंट की चौखट में ये देखिए, ये प्लास्टिक का ये लगा रहता है, प्लास्टिक मटेरियल का, और ये देखिए ये स्क्रू किस तरीके से ये ढीले हो चुके हैं इसमें। तो इसको फिलहाल तो मैंने अभी इसको चिपका दिया है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा सीमेंट की चौखटों में आती है, इसीलिए आप हो सके तो सीमेंट की चौखटें या जो आप बोले डोर फ्रेम, सीमेंट के डोर फ्रेम ना लें अपने मकानों में। ये आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और ये अगर एक बार निकल गया ये ब्रेक यहाँ से या टूट गया, तो ये फिर नया नहीं लगता है। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा इसको स्क्रूज को टाइट करने के लिए क्या करना है। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो पे। तो सब में पहले हम ये स्क्रूज सारे बाहर निकाल लेंगे। ये स्क्रू सारे ढीले हो चुके हैं, ये स्क्रू सारे आप देख रहे हैं फ्री हो चुके हैं। इनको पहले हम क्या करेंगे, इनको पहले पूरे से खोल के बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमने ये सारे स्क्रू निकाल लिए और ये इनका हाल हो चुका है, ये सारे इनके होल फ्री हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे रिपेयर करना है। ये देखिए, ये होल्स फ्री हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे टाइट किया जाएगा स्क्रू। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वापस होल ड्रिल को होल ड्रिल कर लेंगे। तो हम ये होल ड्रिल कर लेंगे। होल ड्रिल करने के बाद आप ये देख रहे हैं, जो होल फास्ट दिख रहे हैं, ये भी प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं। इनको वापस इन्हीं जो ड्रिल किए हुए होल्स हैं, इनके अंदर मैं डाल दूंगा, जिससे ये जो ड्रिल जो लूज हो गए थे, ये वापस टाइट हो जाएंगे। ये ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये या 3 रुपये के आते हैं, 4-5, ये आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो इनको हम वापस इन जो हमने होल किए हैं या होल का डायमीटर बढ़ाया है, उनमें वापस आप डाल देंगे। तो इस तरीके से ये तीनों जो होल फास्ट थे, उनको वापस हमने ड्रिल कर दिया है। तो हमने ये तीनों होल फास्ट इसमें होल में लगा दिया है। अब वापस हम जो डोर फ्रेम में जो कब्जा लगा है, ये कब्जा, इस कब्जे को वापस हम इसके स्क्रू पे टाइट कर देंगे। हालांकि ये बहुत ही टेम्परेरी है, क्योंकि ये जो सीमेंट के फ्रेम्स जो होते हैं, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। इनमें लगे हुए ये जो ब्रिक्स होते हैं, प्लास्टिक ब्रिक्स, ये आगे चल के निकलना ही होता है। इनको वापस अब हम हिसाब से वापस यहाँ पे टाइट कर देंगे।
ये देखिए स्क्रू अब काफ़ी अच्छे से कब्जा फिट हो चुका है और ये पीछे से भी अच्छे से टाइट हो चुका है। ये देखिए सीमेंट की चौखट में मैंने ये पूरा निकल गया था तो इसको वापस मैंने फिर से चिपकाया था तो ये काफी अच्छे से चिपक गया है, आप देख सकते हैं। अब स्क्रू का जो स्लिप हो रहे थे वो स्क्रू स्लिप होना बंद हो चुके हैं और अब देखिए दरवाजा भी काफी अच्छे से लग रहा है और कहीं अड़ नहीं रहा है। ये पहले लगा नहीं पा रहे थे, ये पूरा ये लटक गया था दरवाजा, अब मैंने स्क्रू को वापस टाइट कर दिया उसमें कब्जे। अब ये पूरी तरीके से दरवाजा सही से लग रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो लेकिन ये जो सीमेंट की फ्रेम्स होती हैं ये काफ़ी इनकी क्वालिटी ख़राब ही रहती है, इनको बिल्कुल यूज़ ना करें, इनकी जगह लकड़ी या लोहे की फ्रेम्स यूज़ करें। फिलहाल तो अभी इनको मैंने सुधार दिया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक जय हिंद जय भारत।